आप कहते हो कि सर हम होमवर्क करते हैं, क्लास वर्क अच्छे से करते हैं, जब क्लास में टेस्ट होता है उसमें भी अच्छा नंबर आता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम जब होता है ना तो उससे हमें बहुत डर लगता है और हमारा एग्जाम बिगड़ जाता है। ऐसे बच्चे जिनका पेपर या तो हाफ ईयरली में बिगड़ गया है, ज्यादा उनकी उम्मीद ज्यादा नंबर की थी और नंबर कम आया है, या फिर अभी जो प्री बोर्ड होने वाले हैं आने वाले 1-1.5 महीने में, उससे वो बच्चा डर रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज का वीडियो है। हेलो मेरे क्लास के प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10 में हो और इस साल अगर आप बोर्ड देने वाले हो तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है और किसी दूसरे के बच्चे के लिए नहीं है। आप जो आप देख रहे हो ना, बिल्कुल यस, आपके के लिए वीडियो है। इसमें मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलो करते हो, उस बात को अगर मेरे आप मानते हो ना, तो उसके बाद आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता क्लास 10 में। एक ऐसी गलती बच्चे करते हैं जिसकी वजह से वो प्री बोर्ड से डरते हैं, या उनका हाफ ईयरली भी जो अभी हुआ एग्जाम ना, जो पहला पे एग्जाम हुआ वो या तो उनका बिगड़ गया होगा। तो मैं आपको ऐसे बच्चों से आज डिस्कस करने वाला हूं जिनका पेपर या तो बिगड़ गया है, अगर आप बहुत अच्छे टॉपर हो तब तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चे जिनका पेपर या तो हाफ ईयरली में बिगड़ गया है, ज्यादा उनकी उम्मीद ज्यादा नंबर की थी और नंबर कम आया है, या फिर अभी जो प्री बोर्ड होने वाले हैं आने वाले 1-1.5 महीने में, उससे वो बच्चा डर रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज का वीडियो है। आप कहते हो कि सर हम होमवर्क करते हैं, क्लास वर्क अच्छे से करते हैं, जब क्लास में टेस्ट होता है उसमें भी अच्छा नंबर आता है, एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम जब होता है ना तो उससे हमें बहुत डर लगता है और हमारा एग्जाम बिगड़ जाता है। हाफ ईयरली भी बिगड़ गया हमारा, और जो अभी सामने हमारे आने वाला है प्री बोर्ड का एग्जाम, उससे भी हमको बहुत डर लग रहा है। तो ऐसे बच्चों मेरे बात ध्यान से सुनना कि क्या होता है बच्चा ना, कि आप अब दिमाग लगाओ कि आपका वो चीजें अच्छा क्यों हो रहा था, आप होमवर्क क्यों कर पा रहे थे, क्लास वर्क आप क्यों कर पा रहे थे। आप चलो क्लास वर्क छोड़ो, होमवर्क छोड़ो, आपका जब क्लास का टेस्ट हुआ था तो भी आपने अच्छा नंबर स्कोर किया, लेकिन अब यहाँ पर हमारे साथ ऐसा क्या हो जा रहा है कि एग्जाम जैसे ही आता है हमारी पेंट गीली हो जाती है, नानी याद आ जाती है, एग्जाम में स्कोर खराब हो जाता है हमारा, या फिर रिजल्ट जैसा हमने उम्मीद किया था कि हमारा 95 आएगा, वो हमारा 80 में ही आकर के अटक गया। तो ऐसा कौन सा एक काम है जो मैं छोड़ दे रहा हूँ? मैं सारे काम तो कर रहा हूँ, रिविजन भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक काम कौन सा जो मेरा छूट जा रहा है? तो वो काम है बेटा सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना। बहुत जरूरी है, इस चीज को बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, कह रहे यार कोई भी बुक पब्लिकेशन वाला जो है अपना सैंपल पेपर छाप दे रहा है, अब हम लोग उसको सॉल्व करने से क्या फायदा, सैंपल पेपर थोड़ी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन तो बुक से ही आएंगे। तो बिल्कुल 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 सही बोल रहा हूँ आप लोग, जो क्वेश्चन आएगा वो बुक से ही आएगा, लेकिन जो सैंपल पेपर है ना उसको सॉल्व करने से होता क्या है, जब आप टेस्ट दे रहे थे तब क्या किया था आपने, आपको ये कॉन्फिडेंस था ना, डर नहीं था, कॉन्फिडेंस ये था कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा क्योंकि ये मेरे बुक से है, इसको मैं पढ़ा हुआ हूं। लेकिन जब एग्जाम होता है तब क्या होता है पता है, कि अरे यार ये कौन से बुक से आ गया, कहीं आरडी शर्मा की बुक से आ गया क्या, कहीं आरएस अग्रवाल की बुक से आ गया, या फिर एनसीईआरटी से आ गया, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से आ गया, ये कौन से बुक से आ गया आपको यही नहीं पता होता है। तो जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे ना तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। पहला मैं एकदम 100% दे रहा हूं कि अगर आप 10 सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो पहले वाले में आपका लेवल 10% रहेगा, दूसरा जब सॉल्व करोगे तो वो 25% डायरेक्ट हो जाएगा, तीसरा सॉल्व करोगे तो 35% हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना 100 पार करा चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, प्री बोर्ड्स का एग्जाम हो चाहे मेन हमारे जो बोर्ड्स होने वाला है 2024 में, उस बोर्ड का एग्जाम हो, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपको सैंपल पेपर के थ्रू ही समझ में आएगा। तो बोलोगे सर ठीक है सैंपल पेपर तो सॉल्व करेंगे, लेकिन कौन सा सैंपल पेपर सॉल्व करें? यहाँ पर मार्केट में तो हम लोग जब सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, तो वहाँ पर बहुत सारे सैंपल पेपर्स हैं, तो हमारे लिए बेटर कौन सा सैंपल पेपर है? तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल पेपर अपने पास मंगाए भी, मैंने उनको रिव्यू किया, पढ़ा खुद से, तो मुझे जो सबसे बेस्ट सैंपल पेपर लगा ना वो एजुकाजोन का लगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहूंगा, ये वाली बुक है, ये बुक मुझे सबसे बेस्ट लगी। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, कई सारे बुक्स मैंने देखा उन्होंने क्या किया है ना कि जो पिछले साल का सैंपल पेपर था ना उसी को थोड़ा सा आगे पीछे करके आपको बच्चों को चिपका दिया है, लेकिन उससे गड़बड़ क्या हो रहा है कि सीबीएसई ने इस साल क्या किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिलीट किए हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस को यहाँ पर कम किया है। तो इस वाले बुक में मुझे ये अच्छा लगा कि जो चीजों को सीबीएसई ने हटाया है उन्होंने भी अपने सिलेबस से, यानी कि अपने जो सैंपल पेपर से, उन चीजों को हटाया है। इन्होंने बहुत लेट से अपना सैंपल पेपर बनाया, शुरू में ये नहीं कि जनवरी फरवरी में अपना सैंपल पेपर बना करके रेडी कर लिया, ऐसा नहीं था। जब सीबीएसई ने अपना रिलीज किया कि भैया ये सब चीजें हम डिलीट करने वाले हैं, उसके बाद इन्होंने अपना फिर सैंपल पेपर बनाया और बहुत ही बेहतरीन बनाया। इसमें क्या चीजें हैं, तो जो पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, पिछले साल के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी इस सैंपल पेपर में है, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस साल डिलीट नहीं हुए हैं। देखो क्वेश्चन दो टाइप से होंगे, जो पिछले साल आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो डिलीट हो चुके हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और इसमें जो है आपको जो सैंपल पेपर मिलेगा उसके अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो डिलीट नहीं किया सीबीएसई ने। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी,
अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस बुक का मैंने लिंक दे दिया है। और इसकी दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि दूसरे जो सैंपल पेपर्स थे ना, कम से कम 400-500 ही स्टेप से सैंपल पेपर्स आते थे, और ये बुक जो है सभी बच्चों के लिए अफोर्डेबल है। अगर इसका मैं प्राइस की बात करूँ तो 350 रुपये, 350 रुपीज इस बुक में लिखा हुआ है, लेकिन जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ उसमें क्लिक करना, वहां से फ्लिपकार्ट में पहुंचोगे, उसमें अभी के टाइम पे जो इसकी प्राइस है वो 270 के आसपास है। और इसने बस केवल मैथमेटिक्स से सैंपल पेपर नहीं बनाया है, साइंस का भी बनाया है। मैंने साइंस का भी रीड किया, सोशल साइंस का भी रीड किया, हिंदी इंग्लिश का मैं नहीं बंगा पाया था थोड़ा सा। बाकी आप हिंदी इंग्लिश देखो, मैं बाकी सब्जेक्ट अगर मेन बता रहा हूँ कि मैथ्स अच्छा है, साइंस अच्छा है, सोशल साइंस अच्छा है, इसका मतलब हिंदी इंग्लिश भी परफेक्ट ही होगा, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। उसका भी लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो आप एक बार सैंपल पेपर सॉल्व करके देखो, मेरी एकदम बात मानो कि आप सैंपल पेपर जब सॉल्व करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा, फिर जो चीज आप क्लास टेस्ट में कर पा रहे थे ना वही चीज फिर आप बोर्ड्स एग्जाम में कर पाओगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बच्चों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, उनको भी ये बात बताइए कि वो कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। हेल्प करने से कभी भी किसी का बुरा नहीं होता है, आपका कोई बुरा नहीं हो जाएगा। अगर आपने किसी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर दोगे तो उसको हेल्प मिलेगा ना, तो उसके दिल से दुआ निकलेगी, वो दुआ आपको जरूर लगेगी। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। इस बुक को आप जरूर कंसिडर।